नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमगुरु नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों देखिए, तो दोस्तों आज की वीडियो हम दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टर ऑफ फिशर्स हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपको पोस्टें निकली हुई हैं दोस्तों यहाँ पे, जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है हमारी। 17401 का पिन कोड है दोस्तों, जिसमें हम हिमाचल से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हम इसमें जो दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। देखिए इनके बारे में बात करेंगे आज। तो देखिए इनको यहाँ पे दोस्तों ये जो पोस्टें हैं वो निकली हुई हैं हमारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। 16 पोस्टें निकली हुई हैं दोस्तों, जो कि हैं फिशर्स फील्ड असिस्टेंट की दोस्तों, ठीक है। क्लास 4 की पोस्ट रहने वाली है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ फिशर्स में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो दोस्तों आपको अगर मैं बता दूँ दोस्तों, नेम ऑफ जो पोस्ट रहने वाला है वो है अब आपका फिशर्स फील्ड असिस्टेंट, ठीक है दोस्तों। फिशर्स फील्ड असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज पर गवर्नमेंट्स नॉर्म्स, ठीक है दोस्तों। अगर हम पोस्ट की यहाँ पे बात करते हैं, जनरल लाइफ की अनरिजर्व में तीन तीन पोस्ट है दोस्तों। ओबीसी में 5 है, एससी में 5 है, एससी जो आपका बीपीएल वाले हैं उनके लिए भी 2 पोस्टें हैं, अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है दोस्तों। अगर हम सैलरी की इसमें अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो आपको 10,800 जो है वो सैलरी मिलने वाली है मंथली दोस्तों। और दोस्तों जब भी आप रेगुलर हो जाओगे 3 साल बाद, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपको 18,000 रुपये दोस्तों। 18,000 आपको जो सैलरी मिलने वाली है दोस्तों। अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो मैट्रिकुलेशन जो कहता है कि आपकी जो मैट्रिकुलेशन है वो होनी चाहिए एचपी बोर्ड से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें, तो हाइट मांगी है 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 79 to 84, यानी कि दोस्तों आपकी जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ऑन फुट जो आपकी स्पीड मांगी इसमें 16 किलोमीटर विद इन 4 आवर्स, कहा है कि 16 किलोमीटर जो आप 4 घंटों में आप पैदल चलने की जो है आप में शक्ति होनी चाहिए दोस्तों, इतना आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही आपको नॉलेज ऑफ स्विमिंग भी होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद अगर हम डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो शुड हैव नॉलेज ऑफ कस्टम्स मैनर्स एंड डेलीगेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सुटेबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट इन द पिक्यूलियर कंडीशन प्रीवेलिंग इन द प्रदेश दोस्तों। तो ये कहता है कि आपको जो है हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाजों के बारे में, उसके मैनर्स के बारे में, उसकी जो लोकल बोलियां हैं डेलीगेट्स उसके बारे में सारा का सारा नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपको जो सर्विस करने में दोस्तों किसी भी तरह कोई दिक्कत ना आए दोस्तों। अगर हम एज क्राइटेरिया की यहाँ पे बात करते हैं, तो आपकी जो एज है वो 18 to 45 कहा गया है एज ऑन द डेट ऑफ 1/1/2022 दोस्तों। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो एज है वो आपको गवर्नमेंट के एज पर रूल से मिल सकती है दोस्तों। और मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहने वाला है दोस्तों, तो आपको बता दूँ कि इसमें जो 85 टोटल दोस्तों आपको होगा 100 मार्क्स का, जिसमें 85 प्लस मार्क्स जो होंगे वो आपके 10th में जितने आपके मार्क्स आएंगे उससे कैलकुलेट करके आपको दिए जाएंगे, और 15 नंबर्स दोस्तों यहां पे आपके इसमें डॉक्यूमेंटेशन के रहने वाले, जो कि टोटल दोस्तों आपको 100 मार्क्स में से सिलेक्शन की जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपने इस चीजों का ध्यान रखना है। और देखिए यहां पे एक नोट दे रखा है, तो इसमें दोस्तों आपको यही कहा गया है कि आपको जो है दोस्तों 24 तारीख से पहले पहले 27 तारीख से पहले पहले फॉर्म जो है वो वहाँ पे पहुँचना चाहिए आपका, नहीं तो आपका जो फॉर्म है उसको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो इस तरह के इसमें आपको डिटेल दी गई है, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको जो दोस्तों इसके लिए अप्लाई करना है, तो आप ऑफलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस दे रखा है, डायरेक्टर कम वार्डन ऑफिसर्स हिमाचल प्रदेश बिलासपुर, पिन कोड दे रखा है कि इसके आप दोस्तों यहाँ पर पोस्ट इसको कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ अगर हम आके इसके बारे में पढ़ें, और दोस्तों देखिए यहाँ पर वही सब लिख रखा है कि आपको किस तरह से क्या करना है। अगर हम दोस्तों इसके फॉर्म की बात करें कि ऑफलाइन है, तो मैं फॉर्म भी आपको दिखा दूंगा दोस्तों। अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि मेरिट ऑफ मिनिमम एजुकेशन, आपको जो है दोस्तों मार्क्स की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है 1 मार्क जो आपको अगर आप बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करते हो तो 1 नंबर आपको उसका लगेगा, लैंडलेस फैमिली तो 2 मार्क्स लगेंगे, नॉन एम्प्लॉयमेंट आपके सर्टिफिकेट है तो 2.5 मार्क्स इसके लग जाएंगे दोस्तों। अगर आप 40% डिसेबल हो तो 1 मार्क्स इसका होगा। आपके पास NSS या किसी भी तरह का नेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन का आपके पास डॉक्यूमेंट है या फॉर्म है या किसी भी तरह का सर्टिफिकेट है, तो आपको 1 मार्क उसका लग जाएगा। बीपीएल में हो और आपकी इनकम जो है 40,000 रुपए से कम है तो 2.5 मार्क्स इसके लग जाएंगे। विधवा डिवोर्स्ड जो आपका भी सिंगल वुमेन होगी उसका भी आपको 1/2 मार्क 1.5 मार्क्स लगेगा। सिंगल डॉटर ऑर्फन जो होगा उसको 1 मार्क्स लगेगा। और आपके पास अगर पहले से ही आपके पास जो दोस्तों गवर्नमेंट में आपने कहीं पर सर्विस की है उसके आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 2.5 मार्क आपको उससे लग जाएंगे दोस्तों। और ये कुछ इस तरह का फॉर्म है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको है नेम ऑफ एप्लीकेंट भरना है, फादर नेम भरना है, आपका जो भी आप मेल फीमेल वो भरना है, आपने कौन सी कैटेगरी है वो बनना है। एड्रेस अगर आप शादीशुदा तो मैरिड भर दीजिएगा, अगर आप शादीशुदा नहीं तो अनमैरिड यहाँ पे कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ भरनी है, नेशनलिटी इंडियन, एड्रेस जो भी आपका होगा, और क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस में जो आपने दोस्तों क्या करना है कि जो भी आपका एड्रेस है क्रॉसपॉन्डिंग, अगर आप वहीं रहते हो जहाँ पे आपका परमानेंट है तो आप वहीं पर क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस सेम या डू कर सकते हैं, सेम एज परमानेंट एड्रेस या डू एज परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यहाँ पे आपने भर देना है 10th+2 जो भी आपकी होगी वो सारी क्वालिफिकेशन, उसके आगे में कितने मार्क्स आए हैं आपके, टोटल मार्क्स और परसेंटेज, और कुछ इस तरह के नीचे जो डिटेल है वो आपने भर देनी है दोस्तों। कुछ इस तरह के दोस्तों ये जो वीडियो है
दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत, बने रहें हमारे साथ दोस्तों।